नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 400 वाट्स सोलर पैनल को फिट कर रहे हैं हमारे इन्वर्टर के साथ। ये ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट बन जाएगा। एक बैटरी जो 12 वोल्ट की होती है उसके लिए हम 600 वाट तक लगा सकते हैं। सो इसके लिए हमें जो स्टैंड चाहिए वो हमने स्टील के बनाए हैं। ये अराउंड एक साइड से 2 फीट ऊँचे हैं और एक साइड से अराउंड 10.5 इंच ऊँचे हैं। तो हमें 4 ऐसे वर्टिकल स्टील के पोल्स चाहिए होंगे जिनमें पत्तियां लगाकर हम लोग उसके होल्स में इसको फिट करेंगे, जिसकी सपोर्ट देकर हम उसको एंगल के साथ इन द साउथ डायरेक्शन सारे सोलर पैनल को लगाएंगे। इसके लिए हम सोलर पैनल का पीछे का पैनल खोल लेंगे। तो यहां से हम देखेंगे इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोलैरिटी लिखी होती है, और एक एक करके सभी स्टैंड इसमें फिट करके सभी सोलर पैनल अपने रूफ टॉप पर लगा लेंगे। ये 4 सोलर पैनल 100 वाट्स के हैं। इन्हें हमें पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्ट करना है ताकि वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहे। हमारे पास एक पुराना जो नॉर्मल मॉसफेट वाला इन्वर्टर होता है वही इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर नहीं है। तो हमें उसके साथ एक सोलर कंट्रोल लगाना होगा या फिर एमपीपीटी। सो मैंने उसके साथ एक 30 एम्पियर का एमपीपीटी लगाया है, क्योंकि ये 400 वाट्स है। सो अराउंड 25-26 एम्पियर तक करंट जनरेट होगा, तो हमें अराउंड 30 एम्पियर का एमपीपीटी चाहिए होगा। सो देखिए, इस तरह से हमने नट बोल्ट की सहायता से चारों हमने इसमें स्टैंड लगा लिए हैं। और अब हम इसके मार्क्स रूफ़ पर ले लेंगे जहाँ पर हमें इसे स्टैंड करना है। और फाइनली वहाँ पर हम 4 होल्स करके फास्टनर्स लगाएंगे आयरन के। ये लाइट जाने के दौरान भी हमारे बैटरी को चार्ज करते रहते हैं सोलर पैनल। ये ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट है, इससे काफ़ी एनर्जी जनरेट होती है। अराउंड ये शॉपकीपर जो क्लेम करते हैं इसकी लाइफ 25 ईयर्स होती है। दिन भर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उससे आपके बिल पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो ईज़िली आप इसे घर में फिट कर सकते हैं। मार्केट में सोलर पैनल अलग अलग प्राइस में मिल जाते हैं और अलग अलग साइज़ और वोल्टेज में ही मिलते हैं। सो अगर आपका सिंगल बैटरी है तो आपको 12 वोल्ट का सोलर पैनल चाहिए होगा। आप इसमें अपनी जगह रूफ की जगह के हिसाब से अलग अलग साइज़ में बाई कर सकते हैं। और ये जो आयरन के फास्टनर है इसकी सहायता से हम इसको स्टैंड को जब लगाएंगे तो ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा और अपनी जगह पर फिट हो जाएगा। सभी सोलर पैनल के पॉजिटिव नेगेटिव को हमें आपस में जोड़ना है वायर्स के साथ। इसके लिए हम 4 mm की वायर यूज़ कर रहे हैं। सो ये सभी फास्टनर लग गए हैं। अब मैं इसकी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ जो इसमें अवेलेबल है, और इसकी पोलैरिटी भी मालूम चल जाएगी, लेफ्ट में नेगेटिव है और राइट में पॉजिटिव। सो देखिए, ये 15.58 वोल्टेज को जनरेट कर रहा है इस समय। अब हमें इसको दूसरे वाले सोलर पैनल के साथ जोड़ना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव वायर में और नेगेटिव को नेगेटिव वायर में। सो ये 4 सोलर पैनल पैरेलल में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और फाइनली वो वायर जो लास्ट वाले सोलर पैनल की होगी उसको हम नीचे लेके जाएंगे जहाँ पर हमारा इन्वर्टर होगा। सो देखिए, मैंने इन वायर्स को आपस में पैरेलल में जोड़ लिया है। सबसे पहले ये इसकी जो करंट जनरेशन है उसको हम जो वायर्स को कनेक्ट करेंगे वो अपने एमपीपीटी में लगा देंगे, और एमपीपीटी की जो वायर्स होंगी जो उस पर मेंशन होते हैं वो बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जब एक्स्ट्रा लोड हम घर में रन करते हैं उस समय वो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेगा। अदरवाइज़ जितनी उसको एनर्जी इन सोलर पैनल से मिल रही है अगर उससे उसका काम चल रहा है तो वो उसको बाईपास रखेगा इन्वर्टर को, जिससे हमारा बिल कम आता है। सो देखिए, अभी सभी सोलर पैनल लग चुके हैं और इन सब के हमने पैरेलल में कनेक्शंस कर लिए हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव उसी हिसाब से हमने वायर जोड़ लिए हैं। तो ये सेकंड वाले सोलर पैनल का भी मैं बॉक्स बंद कर देता हूँ। सो आप देखिए, इस तरह से ये वायर पैरेलल में ही जुड़ी हुई है। यहाँ से वायर ये थर्ड सोलर पैनल में जा रही है, और ये थर्ड से फोर्थ में, और फाइनली ये वायर हम नीचे ले जाएंगे। ये टोटल हमें करंट नीचे पर हमारे एमपीपीटी में कनेक्ट करेंगे। सो वायर मैं ये छत से नीचे ले गया हूँ। यहाँ से ये हमारे 4 सोलर पैनल हैं और सभी 100 वाट के हैं। ये वायर ऊपर से देखिए इस तरह से नीचे आ रही है, और यहाँ से हमने इसको इंसर्ट कर दिया रूम में जो हम इसे एमपीपीटी में लगाएंगे। ये वायर देखिए इस तरह से आ जाएगी, फाइनली यहाँ हम कनेक्ट करेंगे। एमपीपीटी लगाने से हम पुराने टाइप का इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। सो इस समय आप देख सकते हैं लोड कम चल रहा है। सो ये इसने बाईपास कर दिया इन्वर्टर को, तो बिजली बचना शुरू हो गई। ऊपर से जितनी बिजली आ रही है उसी से ये घर का लोड चल रहा है दिन में। सो काफ़ी मनी सेविंग टेक्निक है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट। हैव ए नाइस डे।